खबर आपको बता दें, लेबनान में लगातार दूसरे दिन भी सीरियल ब्लास्ट जारी है। कल पेजर में धमाके हुए थे और आज रेडियो सेट में ब्लास्ट हुए हैं। और मेरा ख्याल है ऋतु, आपने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा भी है और सोशल मीडिया पर समझाया भी है। धमाकों में अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और आपको बताएं, लेबनान में पेजर रेडियो सेट धमाकों में 14 की मौत की भी खबर है। लेबनान में आज रेडियो सेट में धमाके हुए और लगातार दूसरे दिन भी ये धमाके जारी रहे, जिसमें कई लोगों की मौत तो हुई है। अभी भी सड़कें लथपथ हैं खून से, जगह जगह पर सड़कें सनी हुई हैं खून से, और कहीं ना कहीं अब जो बाकी लोग हैं वो भी डर के साए में हैं। लगातार निगरानी तो यहाँ पर रखी जा रही है, पर जिस तरह से हमले लगातार हो रहे हैं, कई लोगों की जान लगातार जा रही है। और अब तक इस हमले में बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चूंकि ये अपने तरह, अगर इसे एक अटैक के तौर पर भी माना जाए, तो दूर बैठी कम्युनिकेशन डिवाइस की लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करके उसमें विस्फोट करना, ये अपने आप में अब तक की जो वॉर टैक्टिक्स हैं उसमें एकदम अनोखा और बेहद बेहद घातक होगा। हालांकि इसराइल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, इसराइल की सेना की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमास के चीफ हानिया की मौत के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस के जरिए वो धमाका किया गया। और अब ये रेडियो पेजर धमाके जो सिर्फ लेबनान की चिंता नहीं बढ़ा रहे, पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे। और अब बात यूपी की, यूपी के सियासत में